लंका से संबंधित है सुंदरकांड। तो लंका नगर सुंदर है क्या? हमारी समझ में तो सुंदर है। कहां सुंदर है? कौ महेश मानुष धैन खर आज निशाचर भक्षी, भक्षा भक्ष मचा फिर रहा है वहां, उसको सुंदर कहोगे क्या? लेकिन सत्य बोलना, ये कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुहट वीथि चार पुर बहु विधि बना। बोलो भाई, ये दोहा जो छंद आया है, ये छंद जो आया है, ये लंका कांड का नहीं है, ये किष्किंधा कांड का नहीं है, ये सुंदर कांड का है। बोलो है कि नहीं? और सुंदर कांड में ही लिखा, कहूं महिष मानुष धैन खर अज निशाचर भक्षी, सुंदर कांड फिर भी है। बोलो है सुंदर कांड कि नहीं? फिर भी सुंदर कांड है। अच्छा सही बताओ, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है और रावण तलवार लेकर के आता है, कृपाण लेकर के, और सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। बोलो किस कांड में? किस कांड में दौड़ रहा? लंका कांड में दौड़ रहा है कि सुंदर कांड में? सुंदर ही कांड में तो दौड़ रहा है। मास दिवस ने कहा ना माना तो मैं मारा काड़ी कृपाणा। ये किस कांड की चौपाई है जल्दी बोलो? सुंदर कांड की है, जबकि लंका कांड की होनी चाहिए थी ये चौपाई, क्योंकि लंका कांड में ऐसा हुआ, लेकिन सुंदर कांड में ही रावण कृपाण लेकर के आता, कहता मास दिवस ने कहा ना माना तो मैं मारो काड़ कृपाणा, सुंदर कांड। अच्छा विभीषण के लात किस कांड में दी गई जल्दी बोलो? लंका कांड में तो नहीं दी। लंका है नगर लेकिन कांड है सुंदर। अस कह कीन से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा, सुंदर कांड में विभीषण की लात मारी गई। अच्छा मारही चरण करही बहु हासी, हनुमान जी को बांध के लाए और राक्षस लात घूसे मार रहे हैं, किस कांड की बात है जल्दी बोलो? सुंदर कांड। हनुमान जी बंध गए, हनुमान जी के राक्षस लात घूसा मार रहे हैं, सुंदर कांड। बताओ भाई सुंदर ही कांड है कि नहीं? जल्दी बोलते जाओ। हाँ सुंदर कांड है। कौ महेश मानस धैन खर निशाचर भक्षी, ये किस कांड में खा रहे हैं पी रहे हैं? सुंदर कांड में। हनुमान जी के लात मारी जा रही है सुंदर कांड में, विभीषण के लात मारी जा रही है सुंदर कांड में, सीता जी को तलवार दिखाई जा रही है सुंदर कांड में। बोलो बूढ़े का अपमान हो रहा सुंदर कांड में। मालवंत सचिव सेना मालवंत, और रावण कहता क्या है? बूढ़ भय उनत मरते उ तो ही अब जन नयन दिखावस मोई। मालवंत का अपमान भी सुंदर कांड में हो रहा है, विभीषण का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है, हनुमान जी का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है, सीता जी का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सुंदर कांड में ही सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नाम है सुंदर कांड क्यों भाई? जहां पर किसी नारी पर तलवार उठा दी जाए, किसी नारी की गर्दन पर तलवार रख दी जाए, ईमानदारी से बताओ उसे सुंदर कांड कहोगे? किसी संत के ऊपर लात घूसे का प्रहार किया जाए सुंदर कांड कहोगे? लेकिन सुंदर कांड। अच्छा और एक बात सुनो, पूरे नगर में आग लग गई लंका में, किस कांड में लगी बोलो? अग्नि। सुंदर कांड में बोलो लगी कि नहीं लगी? है सुंदर कांड में आग लगी, सुंदर कांड में ही लंका में आग लगी, लेकिन फिर भी सुंदर कांड। नहीं तो लग देना चाहिए था भीषण अग्नि कांड, क्योंकि अग्नि कांड सबसे बड़ा हुआ है तो वो लंका में हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका नाम होना चाहिए था भीषण अग्नि कांड, लेकिन नहीं सुंदर कांड। आग लग गई पूरे नगर में, है जरह नगर अनाथ कर, जैसा अनाथों की तरह नगर जल रहा है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, इसके बाद ये घटना किस कांड में घटी? सुंदर कांड। लंका में आग लगी, सुंदर कांड में, ये सब सुंदर कांड में। अब आप सुनिए जरा, सबसे पहली यात्रा लंका में हुई है हनुमान जी की हुई है, जामवंत जी की भी नहीं हुई। अंगद थोड़ा सा तैयार हुआ था तो कहता है कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिरती वारा, बोले मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। ऐसा किस काम का आदमी के चला जाए और लौटू के ना आवे?
तो किस काम का आदमी है बोलो। हम कहें कि बाजार जा रहे हो? हाँ स्वामी जी जा तो रहा हूँ बाजार। कोई काम? काम यही है, ये 50 रुपया ले जाओ। क्यों महाराज जी, क्या बात है? अगर बढ़िया जो है फल मिल जाए, सेव फल सुंदर, तो ले आना। तो वो 50 का नोट ले, वो कहे जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ। क्या फायदा हुआ बोलो भाई? क्या मतलब हुआ फिर? तुम रुपया लेके कह रहे हो कि मैं जा सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसा आदमी किसी काम का होता है बोलो? किसी काम का नहीं। और जो व्यक्ति ये बात कहे कि मैं जा सकता हूँ अमुक काम के लिए लेकिन लौट के फिर वापस नहीं आ सकता हूँ, तो बेकार है, किसी काम का नहीं। एक गांठ का और चला जाए जब लौट के ही नहीं आना है। तो अंगद भी इसी कंडीशन में बोल रहा है कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा जीव संशय कछु फिरती, मैं जा सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ। क्यों? समस्याओं में कोई फंस तो सकता है लेकिन निकलना मुश्किल है। समस्याओं में फंसना सरल है बोलो भाई, फंसना क्या है? सरल है लेकिन निकलना कठिन है। समस्याओं में सब फंस सकते हैं लेकिन सब निकल नहीं सकते हैं। प्यारे बोलो, निकल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? संत से जुड़ो। संत जहां जहां भी लोग समस्याओं में फंसे होंगे, समस्याओं में कितने फंसे थे वहां? गौ फंसी थी समस्या में लंका में। कहूं महेश मानुष मनुष्य जिनमें मनुष्यता थी, जैसे विभीषण जी में क्या है बोलो? मनुष्यता है कि नहीं? प्रहस्त में क्या है? मनुष्यता है। मालवंत में क्या है? मनुष्यता है बोलो। ये फंसे थे कि नहीं फंसे थे? जल्दी बोलो। ये सब फंसे थे लंका में, समस्याओं में फंसे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। सीता जी भी फंस गई समस्या में, विभीषण समस्या में फंस गया। लेकिन सत्य तो यह है कि हनुमान जी गए और समस्याओं में खुद फंसे लेकिन स्वयं समस्याओं से निकले, और श्री जानकी जी, विभीषण जी, मालवंत जी, गौ माता, जन्मधात्री माता, क्योंकि हनुमान जी की असली माता तो सीता जी हैं बोलो, हैं कि नहीं? भले ही अंजना माता हो लेकिन सत्य तो यह है, निमित्त मात्र हैं अंजना माता, लेकिन सत्य तो यह है कि हनुमान जी ने अपनी पहचान यदि बनाई है तो सीता माता को स्वीकार करके बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? सीता माता है। सत्य तो यही है प्यारे। क्यों? श्री जनक जी महाराज निमित्त मात्र हैं सीता जी के पिता, सुनैना जी निमित्त मात्र हैं सीता जी की पिता माता, लेकिन असली माता तो श्री सीता जी की भूमि है। कौन है? पृथ्वी माता है, इसलिए उनका एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। तो सीधी सी बात यह है कि असली माँ के रूप में हनुमान जी ने यदि स्वीकार किया है तो जानकी माता को ही स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? मैं एक बात कहता हूं, दैहिक संबंध से हनुमान जी के जन्म का कोई लेना देना नहीं है। बोलो दैहिकता से है क्या? दैहिक संबंधों से हनुमान जी का कोई जन्म का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोलो नहीं है प्रमाण। राम जी का भी दैहिक संबंध से जन्म का प्रमाण नहीं है। सीता जी का भी दैहिक संबंधों से जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब प्रकट हुए हैं, हनुमान जी भी प्रकट ही हुए हैं। क्या हुए? प्रकट हुए हैं। और सत्य बताऊं आपको, प्रकट होता है माध्यम किसे बनाता है? वो भूमि को। जब कोई प्रकट होता है तो माध्यम किसे बनाता है? जल्दी बोलो, भूमि को ही तो बनाता है। भूमि से प्रकट होता है, होता है कि नहीं होता है? तो भूमि से प्रकट होता है प्यारे। इसका मतलब है कि मूल में भूमि आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? और सीता जी क्या है? बोले भूमिजा है। क्या है? भूमिजा है, पृथ्वी की पुत्री हैं। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। हनुमान जी ने, भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मेरी माँ ने भूमि को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है, श्री जानकी जी ने अगर भूमि को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं जानकी जी को ही माँ के रूप में स्वीकार करूँ। इसलिए भगवान शिव हनुमान बन करके मां के रूप में किसे स्वीकार कर रहे हैं? जानकी मां को स्वीकार कर रहे हैं। तो सावधानी से समझना, जरा समझने की कोशिश करना, प्रयास करना कि समस्याओं में फंसना सरल है, सभी समस्याओं में फंस सकते हैं लेकिन समस्याओं से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन संत समाज में जाता है और जो समाज समस्याओं में फंसा हुआ है
उस समाज के कल्याण के लिए उस समस्याओं में फंसता है, जाता है, और स्वयं समस्याओं से निकलता है, और जिनमें मनुष्यता है उन मनुष्यों को समस्याओं से निकालता है, जिनमें मनुष्यता है। समझ गए हो कि नहीं? जिनमें मनुष्यत्व है, राक्षसत्व नहीं, मनुष्यत्व है, उनको संत क्या करता है? सत्संग के माध्यम से विचार दे करके उनको निकालता है। ये क्षमता केवल संत में है। और उतने रामादल में, पूरे रामादल में संत कौन है जल्दी बोलो? हनुमान जी। बाकी सब जीव हैं, हनुमान जी क्या हैं? संत हैं। जीवात्मा सब हैं, हनुमान जी महात्मा हैं, और परमात्मा स्वयं भगवान राम हैं। अब आप सुनते जाना, समस्याओं का समुद्र लहला रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। यही तो जिंदगी में समस्याएं की लहरें हैं, बोलो है कि नहीं? ये लहरें गृहस्थी में उठती ही रहती हैं, बोलो उठती रहती है कि नहीं? कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है तो गृहस्थी में परेशानी पैदा हो जाती कि नहीं? महाराज जी सब कुछ ठीक है, लेकिन बीमारी सबको आ रही है, अब ये कैसे ठीक होगी? तो हम कहते डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है बीमारी। वो तो थोड़ा इलाज करता है महीना भर, जब बीमारी दूर नहीं होती तो कहता अच्छा दूसरा इलाज करते हैं, दूसरा डोज लो, दूसरे डोज में भी नहीं रोक पकड़ता, तीसरा डोज लो, और जब तीसरा डोज लेते हैं तो कहता अब मेदांता चलेगा, आगरा से मेदांता भेज दिया, मेदांता वालों ने बंबई भेज दिया, बंबई वाले कहते हैं हम ठीक नहीं कर पा रहे, पैसा है तो अमेरिका चले जाओ, चलो तुम बहुत पैसे वाले हो अमेरिका चले गए, अमेरिका वाले ठीक नहीं कर पाए बीमारी, तो अमेरिका वालों ने कहा कि अब हम नहीं जानते हैं, तो फिर तुमने फिर हमको फोन किया कि महाराज जी अब क्या होगा, अब क्या होगा? हमने कहा तुमने क्या सोचा और डॉक्टरों ने क्या कहा? बोले डॉक्टर कह रहा ऊपर वाला जाने, अब अंत में आया ऊपर वाला, क्यों भाई समस्या बोलो भाई, ऊपर वाला जाने। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, रोग की समस्या है, वैचारिक मतभेदों की समस्या है, बोलो है कि नहीं? इसको मानसिक बीमारी कहते हैं, वैचारिक मतभेद यदि पैदा हो जाए तो उसको शारीरिक बीमारी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी की समस्या है, शारीरिक बीमारी की समस्या है, ना जाने कितने प्रकार की समस्याएं घर के अंदर आ गई हैं। ये समस्याएं कैसे दूर होंगी? इसके लिए एक ही उपाय है कि संत और सत्संग, संत और सत्संग। तो क्या हनुमान जी ने समस्याओं से मुक्ति दिलाई है? हाँ दिलाई है। कैसे दिलाई है? अब सुनो जरा। सारे लोग अपने अपने बल का वर्णन किए, लेकिन सबने असमर्थता जाहिर की, कोई समुद्र पार ही नहीं कर पा रहा है, कोई कहता हम जाएंगे तो इसी में डूब के मर जाएंगे, इसी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। हनुमान जी से कहा गया कि आप क्यों चुपचाप बैठे हो, आप भी तो कुछ बोलो। हनुमान जी ने कहा कि हम बोलते नहीं हैं, फिर क्योंकि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम क्यों बोले? फिर कब बोलोगे? कहा जब प्रभु की प्रेरणा होगी, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब प्रभु की प्रेरणा होगी और प्रभु जैसा आदेश देंगे तब मैं बोलूंगा। जब तक प्रभु की प्रेरणा नहीं होगी तब तक, क्योंकि मैं दूत हूं, क्या हूं? भगवान का दूत हूं। जब स्वामी संदेश देगा और कुछ कहेगा तब ना बोलूंगा, अपने आप ही थोड़ी। प्रभु की प्रेरणा हुई, क्या प्रेरणा हुई? जाओ मेरा आशीर्वाद है, कहां? लंका। परसासीस सरोरुहि पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। लेकिन विचार करना, पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने अपने पास बुलाया, इधर आओ। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी अपने आप गए कि भगवान के बुलाने पर गए? भगवान के बुलाने पर गए। जान काज प्रभु निकट, इधर आओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं हूं परमात्मा, और जो भी समस्याएं हैं वो महात्मा मध्यस्थ जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं कोई भी समस्या का समाधान
नहीं करूंगा। समाधान के लिए महात्मा की जरूरत है, इधर आओ मेरे पास। जामवंत को बुलाया कि अंगद को बुलाया, जल्दी बोलो। हनुमान जी को बुलाया, ना नल नील को बुलाया, ना गै गवाक्ष को बुलाया, ना जामवंत को बुलाया। बुलाया है तो केवल राम जी ने बुलाया हनुमान जी को। हनुमान जी क्या है जल्दी बोलो, संत है। क्या है हनुमान जी? संत है, इसलिए संत को बुलाया। जानकाज प्रभु निकट बुलावा, क्या कहा? लंका जाओ। लंका जाए? हाँ। बहु प्रकार सीते समझायु, ओ कह बल विरह वेग तुम आयु। जाओ, मेरा संदेश सीता जी को सुना देना और सीता का संदेश ला करके मुझे सुनाना। इसका मतलब ये काम किसका है? दूत का काम है। दूत का काम क्या है? जाओ संदेश सुनाओ और दूसरे का संदेश लाके मुझे सुनाओ। ये दूत का काम है। तो ये किसने कहा बोलो? हनुमान जी से। राम जी ने कहा। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी किसकी भूमिका में, महात्मा किसकी भूमिका में है? परमात्मा के दूत की भूमिका में। किसके? परमात्मा के दूत की भूमिका में। तो ईमानदारी से बताओ, हम महात्मा किस भूमिका में है? परमात्मा के दूत की भूमिका में है। और ये संदेश जो आज सुना रहा हूं, ये मेरा नहीं है। ये किसका संदेश सुना रहा हूं? परमात्मा का संदेश सुना रहा हूं। समझ गए हो क्यों? ये परमात्मा का संदेश है। इसलिए परमात्मा का संदेश जिस क्षण सुनने को मिल जाए, ईमानदारी से बताओ, उस समय को स्वर्णिम समय कहोगे कि नहीं कहोगे? स्वर्णिम काल कहोगे कि नहीं कहोगे? स्वर्णिम समय है। इसलिए भगवान ने कहा जाओ और सीता का संदेश मुझे सुनाओ। अब जाओ। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। किसी ने कहा समुद्र है ये, समस्याओं से भरा हुआ समुद्र है। कहा सुनो, परमात्मा अगर आज्ञा देकर के भेज रहा है तो समस्याएं आएंगी तो, लेकिन परमात्मा की कृपा से दूर हो जाएंगी। आएंगी तो जरूर, लेकिन दूर हो जाएंगी। अब मैं जाऊंगा। हनुमान जी चले। जैसे ही वहां स्पष्ट लिखा है, प्रभु संदेश सुनत वैदेही। प्रभु संदेश, तो प्रभु संदेश इसका मतलब है कि संदेश सुना रहे हैं प्रभु का, तो दूत का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी किसका काम कर रहे हैं? दूत का काम कर रहे हैं। महात्मा दूत ही होता है। और जैसे हनुमान जी चले तो पहली लहर में एक समस्या पैदा हो गई। पहली लहर समुद्र में उठी, वो इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई कि सोने का पहाड़ ही निकल पड़ा। आज का आदमी होता तो कहता ये तो समाधान है, एक किलो दो किलो सोना आ जाए तो समस्या दूर हो जाती है, तो पहाड़ ही निकल पड़ा। क्यों भाई? आजकल लोग कहते नहीं समाधान हो गया, क्यों बोले सोना मिल गया। किलो दो किलो सोना मिल जाए तो बोलो चकाचक आनंद की अनुभूति कर, समस्या अब तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो हनुमान जी के सामने सोने का पहाड़ ही निकल पड़ा पूरा। पहाड़ में कितना सोना होगा, तोल सकता है कोई माई का लाल? अच्छा एक बात बताओ, पहाड़ को तोलने का तराजू है संसार में कहीं? पहाड़ को तोलने का तराजू संसार में मेरी समझ में तो नहीं है, हो तो बता दो जरा। अच्छा पहाड़ को कोई तराजू तोलेगा तो तराजू बचेगा? बता दो जा, पता चलेगा तराजू का कहाँ चला गया, चकनाचूर हो गया तराजू? अच्छा और जो तोलने के लिए जाएगा उसका भी पता नहीं चलेगा? पहाड़ को उठाएगा तो पहाड़ उसके ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो न तराजू का पता, ना तोलने वाले का पता। इसलिए पहाड़ को कोई टच नहीं करना चाहता, लेकिन सोने का पहाड़ निकल पड़ा। याद रखना, जैसे ही निकल पड़ा सोने का पहाड़ तो कहता क्या है? रुको 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 रुको। हनुमान जी ने कहा रोक रहा है ये? अच्छा बोलो, राम जी की आज्ञा से सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं और ये रोक रहा है, रुको रुको रुको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई इमरजेंसी में जा रहा हो और कोई आवश्यक कार्य की पूर्ति के लिए जा रहा हो और कोई व्यक्ति रोके और कहे रुको रुको रुको, तो बोलो ये बाधा है। बाधा है कि नहीं? समस्या है कि नहीं? कि समाधान है, जल्दी बोलो। अच्छा दूसरी बात और सुन लो, आज के दृष्टिकोण से देखा जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर एक पहाड़ भर सोना किसी के घर में हो तो बचेगा कोई? सब सेंट्रल जेल चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, जल्दी बोलो। कितना सिद्ध करोगे तुम कि हमारी सात पीढ़ियों का रखा है? बोलो भाई, सिद्ध कर पाओगे क्या? सब सेंट्रल जेल में चले जाओगे? बोलो चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? दो चार किलो सोना का हिसाब नहीं दे पाओगे?
बोलो दे पाओगे क्या? ये तो सोने का पहाड़ है। तो इतना पहाड़ भर सोना किसी को मिल जाए तो मैं तो कहता हूं कि समस्या ही आ गई उसके पास। क्यों भाई? पहली समस्या तो यही है कि नींद ही नहीं आएगी। क्यों भाई? उसको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि देश भर के लुटेरे वही ध्यान देंगे। बोलो देंगे ध्यान कि नहीं? कि पता नहीं है सोने का पहाड़ है उसके पास, चलो वहीं चलें, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो समस्या नींद हराम। बोलो नींद हराम उसकी। अच्छा एक बात बताओ, दो चार दस किलो सोना हो तो आप बैंक में रख सकते लाकर्स में, और पहाड़ भर सोना हो तो कौन सी लाकर्स है बैंक की जरा बता दो। रिजर्व बैंक वाले भी मना कर देंगे, भैया ले जाओ ये बवाल है, फालतू की बात करते हो तुम, इतना सोना। समझ गए हो कि नहीं? ये समस्या है, सीधी सी बात, ये सोने का पहाड़ क्या है? समस्या है। और वो कहता क्या है? रुको, क्या करेंगे? कहा विश्राम कर लो, विश्राम। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम सोने पर नहीं सोते, हम सोने पर नहीं सोते हैं। जो सोने पर सोते हैं ईमानदारी के साथ बताओ वो विवादित होते हैं। जो सोने पर सोते हैं वो विवादित होते हैं। लंका का राजा रावण सोने के पलंग पर सोता है, ईमानदारी से बताओ चरित्र विवादित है कि नहीं? क्या है? चरित्र विवादित है। हनुमान जी बोले मेरे स्वामी सोने पर नहीं सोते हैं, वृक्षों के पत्तों की सैया पर सोते हैं, मैं उनका सेवक हूं। मेरा जो स्वामी है वो कहां सोता है? वृक्षों की पत्तों की सैया बनती है तब वो सोता है, पत्तों की सैया पर। उनका दास सोने के ऊपर, विश्राम का मतलब है आराम, आराम का मतलब है थोड़ा सा सोने से संबंधित होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं गलत। मेरा स्वामी कहां सोता है? कहां सोता है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, स्वामी रहता कहां है, उस स्वामी सोता कहां है? कह राम सियमहि शयन निहारी, महिमानी पृथ्वी, महिमानी पृथ्वी। मही का अर्थ क्या हुआ? पलंग है कि पृथ्वी? पृथ्वी। राम सियमहि शयन निहारी, ओ भयउ बिषादन साधहि भारी। हनुमान जी ने कहा मेरा स्वामी जिसका मैं सेवक हूं, दूत हूं, हे मैनक, वो पृथ्वी पर सोता है और पत्ते बिछे हुए हैं। क्या बिछे हैं? पत्ते बिछे हुए, उन पर सोता है। मेरी माँ भी वहीं सोती है और मेरा स्वामी, मेरा पिता भी वहीं सोता है, मैं उसकी संतान हूं, पृथ्वी पर सोते हैं। और रहते कहां हैं? महलों में नहीं रहते हैं। कहां रहते हैं? सीता लखन समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर। कहां रहते हैं? राजत पर्ण कुटीर। पर्णकुटी का निर्माण बोलो घास फूस पत्तों से होता है कि नहीं होता है? बोलो जल्दी, पर्णकुटी का निर्माण किससे होता है? घास फूस पत्तों से ही होता है। मेरा स्वामी कहां रहता है? सोता है भूमि पर, पत्तों की सैया पे सोता है। और रहता कहां है? हे सोने के पहाड़ सुन ले कान खोल करके, मैं उनका सेवक हूं। ये किस कांड से संबंधित चर्चा हो रही है? बोलो सुंदर कांड से संबंधित चर्चा हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुमने कई बार सुंदर कांड पढ़ा है लेकिन कभी तुम्हारी दृष्टि इस पर गई? कभी ये विचार गया तुम्हारा इस पर? नहीं गया प्यारे, सुन लो जरा एक एक चौपाई। सुंदर कांड कितना महत्वपूर्ण है, जीवन की आचार संहिता है सुंदर कांड। यदि 60 दोहे जिसने सुंदर कांड के जीवन में स्वीकार कर लिए वो इंसान नहीं, वो हनुमान बन गया है प्यारे समाज में। क्या बन गया है? हनुमान। वो हनुमान का अर्थ है संकट मोचन। क्या? संकट मोचन, संकट को दूर करने वाला। और समस्याओं, संसार में क्या है? संकट ही संकट है कि नहीं? समस्याओं से घिरा हुआ संसार है कि नहीं? चर्चा इसी बिंदु पर हो रही है कि नहीं हो रही है? जरा समझते जाना। मेरा स्वामी रहता कहाँ है? है सोने के पहाड़। मैंने कहा तुम जानते नहीं हो, मुझे विश्राम के लिए कह रहे हो और सोने के पहाड़ हो, मैं सोने के ऊपर सोऊं, मैं जिसका दूत हूं, सेवक हूं, मेरा स्वामी
पत्तों पर सोता है, रहता कहाँ है? पत्तों की पर्ण कुटी में ही वो रहता है। सीता लखन समेत प्रभु सुराजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग जन सोहत धरे शरीर। इसलिए आ गए हो, बस दूर से ही नमस्कार है, चले जाओ, चले जाओ। बोलो सोने के पहाड़ को स्वीकार किया क्या? नमस्कार कर लिया दूर से। बोले इसी में खैर है, बस मैं प्रणाम करता हूं, अब आप जाइए। बोलो वापस जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा सोने के पहाड़ को? इसका मतलब क्या है? यदि लोभ में फंस जाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, और लोभ से यदि नमस्कार कर लोगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? सोने का मतलब क्या है? लोभ होता है। सोने का मतलब क्या है? लोभ होता है। जैसे एक बात सुन लो, माँ बाप के प्राण निकल रहे हो और डॉक्टर कहे बेटा से, बेटा जाओ जाओ जल्दी मेडिकल स्टोर से ये दवा ले आओ, जल्दी जाना। अगर आधा घंटे के अंदर दवा नहीं आई तो समझ लेना माता पिता से हाथ धो बैठोगे। अब बेटा चला मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से, जिससे चला, बीच में आ गया एक व्यक्ति, बोले रुको रुको रुको, अरे माता पिता बीमार हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम पागल हो क्या? अरे सुनो तो, हम तुमको 100 ग्राम सोना दे रहे हैं, लो लो। अच्छा आकर्षण लोभ आ गया कि नहीं आ गया? 100 ग्राम सोना तुरंत दिया उसने, कहा कि अब मैं, बोले अभी नहीं, अगर थोड़ा और रुक जाओ तो घर में जाऊंगा 250 ग्राम सोना दूंगा।